आज आटे वाला निमकी बनाते हैं। उसके लिए मैंने इनसे 2 कटोरी गेहूं का आटा ली हूँ और 1/2 कटोरी मैदा और स्वाद अनुसार नमक, 1 चम्मच जमाइन मंगरेला और 1 स्पून खाने वाला ऐसे मैंने जीरा डाली हूँ, थोड़ा सा काला नमक और स्वाद अनुसार नमक, खाने वाला नमक और थोड़ा सा रेड पाउडर लाल मिर्चा वाला डाले हूँ। इसको सारे को डालकर और घी 2 चम्मच डालकर मैं इसको सान ली हूँ। अब इसको पानी में भी सान सकते हैं, दूध में भी सान सकते हैं, मैं इसको पानी में ही सानी हूँ। मीठा वाला को दूध में सानती हूँ और नमक वाला को पानी में। अब इसको इस तरह से रोटी बनाकर और बर्फी के कार में काट देना है। काट कर मैं इसको तल रही हूँ। आप इसको 1 महीना भी स्टोर करके रख सकती हैं, कुछ नहीं होता, इसका स्वाद भी नहीं खराब होता है। इसमें मैं ज़्यादा गेहूं का आटा डाली हूँ, मैदा कम डाली हूँ। इसी तरह से सारे को हम छान लेंगे। ये बहुत जल्दी बन जाता है, टाइम नहीं लगता।